गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को आयनिक सॉलिड्स, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स की वीडियो शेयर की थी। आज हम इसी चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। क्रिस्टल लैटिस क्या होता है? इररेगुलर थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट, यानी कि ये जो अरेंजमेंट है हमारा रेगुलर फॉर्म में होता है, वो भी 3D में होता है। किसका अरेंजमेंट है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का। पार्टिकल्स एटम्स हो सकते हैं, आयन्स हो सकते हैं, मोलिक्यूल्स हो सकते हैं। ऑफ अ क्रिस्टल इन स्पेस इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। अगर हम इसे सिंपल लैंग्वेज में जाने, जब हम किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट 3D में हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। इसका अरेंजमेंट ये डायग्राम के थ्रू बताया गया है। एक ये हमारा सिंपल लैटिस ए है एंड ये लैटिस बी है। लैटिस ए और लैटिस बी में आप लोग डिफरेंस अगर देखोगे तो लैटिस ए के जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर हैं, बट लैटिस बी में क्या होता है, इसके बीच में और पार्टिकल्स आ जाते हैं, जिसे हम अरे बोलते हैं। अरे मतलब होता है एक साथ एक बड़े ग्रुप में जुड़ जाना या फिर एक बड़ा संग्रह का बन जाना, अरे कहलाता है। इस डायग्राम को ही नीचे लाइन के थ्रू मैंने बताया है। इन द केस ऑफ स्पेस लैटिस इज अ 3D अरे ऑफ पॉइंट्स, यानी कि जो हमारा स्पेस लैटिस है वो 3D में हो जाता है, जब इसके जो पॉइंट्स है वो किस फॉर्म में हो जाते हैं? अरे हो जाते हैं, यानी कि एक बड़े संग्रह में जुड़ जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है यूनिट सेल। यूनिट सेल का मतलब का एक बहुत छोटा सा पार्ट, द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस व्हेन रिपीटेड इन डिफरेंट डायरेक्शन गिव्स द कंप्लीट लैटिस इज कॉल्ड यूनिट सेल। यानी कि किसी भी क्रिस्टल लैटिस का एक बहुत छोटा सा पार्ट क्या कहलाता है? हमारा यूनिट सेल कहता है। सपोज करो हमारे पास कोई ये एटम बना हुआ है, यानी कि NaCl का हमारे पास कोई भी ये क्रिस्टल लैटिस है, इसमें से अगर मैं एक छोटा सा पार्ट निकाल दूं तो वो हमारा क्या कहलाता है? यूनिट सेल कहलाता है। या फिर सिंपल हम एग्जांपल पे देख सकते हैं, ये हमारा कोई भी एक फ्लोर है, ये कोई फ्लोर बना हुआ है, ये बहुत सारी चीजों से मिलकर के बना है, इसका जो एक पार्ट है ये सिंगल इंडिविजुअल, ये हमारा क्या है? यूनिट सेल है, यानी कि ये स्मॉलेस्ट पार्ट है।